सारे मूवमेंट प्रॉब्लम होगी। फोटो शूट रहा, कुछ बताना चाहिए किस तरह का फोटो शूट रहा और कैसा रहा एक्सपीरियंस आज के दिन? आज का जो फोटो शूट था, इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय लुक इन इंस्टाग्राम। बहुत मज़ा आया, एवरीबडी वाज सो मच फन टू वर्क विद। और आज के फोटो शूट में आपको कुछ अलग क्लिप्स में कुछ अलग दिखाई देगा, विच लुक यू नॉर्मली डोंट सी ऑन माय इंस्टाग्राम और ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्या कारण था कि आज फोटो शूट हुआ, मतलब इंस्टाग्राम से क्या अलग आज रहा, मतलब इतना क्या खास होने वाला है आज? इंस्टाग्राम का जो मेरा फोटो शूट हो रहा है, दिस वन द राइट वन राइट, किस तरह का मतलब इंस्टाग्राम से आपने फोटो शूट, मतलब क्या अलग रहा, मतलब कुछ तो अलग होगा आज? अबाउट शुड आई टॉक अबाउट द फोटो शूट? हां, टुडेस फोटो शूट। ओके, आज का जो फोटो शूट था, इट इज़ अ वेरी फ्रेश लुक, जो नॉर्मली मेरे इंस्टाग्राम पे आपको नहीं दिखता है। समथिंग वेरी डिफरेंट, इवन माय स्टाइल स्टेटमेंट टुडे इज समथिंग वेरी डिफरेंट दैन व्हाट आई एम नॉर्मली। एंड जो हमारा लुक है इन द वीडियो इंस्टाग्राम्स जो है, जो रिलीज़ हो रहा है 19th को सुबह, तो दैट लुक इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, वेरी फ्रेश, वेरी समर, वेरी कूल काइंड ऑफ लुक बोथ ऑफ अस। तो बहुत डिफरेंट है जो हमारे नॉर्मल इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या जो पहले के ट्रैक्स है, तो इट इज समथिंग वेरी यूथ, वेरी फ्रेश। और क्या मतलब कितनी तैयारी की इस लुक को करने के लिए, कितना आपने रिसर्च किया, किससे बातचीत की, कुछ आप दोनों शेयर करना चाहेंगे? सर आप बताइए। बहुत रिसर्च किया, खुद का सेल्फ प्रोक्लेम नॉलेज है इसमें इन्वॉल्व, जो बहुत खुद से ही रिसर्च किया। और मुक्ता से भी मैंने बहुत पूछा, क्योंकि वो तो एक स्टाइल स्टेटमेंट चलते रहती है। सो मुक्ता ने मुझे बहुत गाइड किया अपने लुक के लिए, अपने फोटोशूट के लिए और सब चीज़ के लिए। Actually, there are a lot of celebs that we follow on Instagram. Instagram's releasing on 19th, तो सिर्फ दिल में दिमाग में Instagrams चल रहा है। तो जो Instagram celebrities है, normally the street style which celebrities follow. तो I think we both are quite inspired by the hip hop and street style. तो वही हमारा normal look है, वही look आज भी देखने को मिला, and that is the cool look जो youth आजकल follow करता है, वो हमारे music video में भी है। सर आपकी हेयर स्टाइल काफ़ी यूनिक है, कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरा हेयर स्टाइल बहुत मैंने अडॉप्ट किया बहुत टाइम से। मुझे dreadlocks मेरे पास 7 साल से थे, पर बीच में मैंने काटा और बढ़ाया। और ये लुक मेरा पर्सनल लुक है, ये बहुत इतना यूनिक है कि कोई ऑब्टेन नहीं कर सकता एज एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट का मेन चीज़ होता है उसकी यूनिक पर्सनैलिटी जो बिकनी चाहिए। अगर आर्टिस्ट की खुद की पर्सनैलिटी नहीं है और वो खाली फॉलो कर रहा है और सबका देख के कॉपी कर रहा है, वो एक आर्टिस्ट का कुछ सेंस नहीं होता। ओरिजिनल। ओके, आपके लॉकेट में भी कुछ डेंजर मार्क कुछ है? डेंजर नहीं, ये आइसक्रीम है, इसलिए सबसे अच्छा है, इसमें क्या डेंजर रहेगा? नहीं, लेकिन डेंजर साइन जैसा। अच्छा, ये खाली वो, हाँ, अगर आप देखें तो क्यूटली डेंजरस लाइक हिम कुछ बताना चाहिए किस तरह का, मतलब इसको मतलब ये बेसिकली मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड पेंडेंट है जो मैंने खुद से बनाया, अब मतलब एक ज्वेलर से जाके। ये साइन इसलिए क्योंकि आइस मतलब अगर आप में बिलीव करते हैं? नहीं, आइस मतलब आज के टर्म में आइस मतलब फुल ऑफ डायमंड्स। फुल ऑफ डायमंड्स मींस you're the king. So I feel like the king of the rap game. ओके मैम, आपकी जो इंटायर लुक है काफ़ी सुंदर लग रही है आप, और काफ़ी हॉट लग रही है। तो कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का ये ड्रेस है, कितना इसको आपने तैयार किया? I think boots are my favorites. I can't live without my boots. काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, but now you're in Mumbai and Mumbai is not the right climate for boots. But I still stick to my boots. Boots is like my personal style statements. And then of course sheer top, because it's too hot in Mumbai, so I have to wear something which is very cool, very sheer and very airy. So that we are going with a summer look, obviously. Okay, any tips you want to give, summer tips to your fans? summer tips, when like mostly talking about girls or even guys, the first very basic tip I would give is be hydrated. Drink as much as water you can, drink as much as fruit juices you can, and when your body is hydrated, that's going to reflect on your face. वो glow automatically आ जाएगा. When it comes to summer dressing style, I would say कि keep it casual, जो जिसमें आप comfortable हो वही पहनो, and if you're comfortable, automatically you're going to look good. So keep it cool, keep it casual, and keep it natural. जो आपका नया वीडियो आने वाला है उस पर क्या अलग है, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में को डिस्क्राइब करना चाहिए, क्या आने वाला है? बहुत अलग है. Instagram is something very different and Instagrams is something very different. It's very international. It's very youth. जो आजकल हाँ it's a global music. जो आजकल हमारा generation है and you know even that age group between 10 to 20, तो वो Bollywood music देखते हैं and they can't really connect to it because if you know the youth that is on Instagram आजकल, तो they prefer listening to you know more new school hip hop, more of that music जो बहुत ग्लोबल है, समथिंग विद इंग्लिश कूल लिरिक्स. तो हम लोग ने भी वैसा ही कंसेप्ट प्लान किया था एंड लोका हैज़ वर्कड यू नो रियली अमेजिंग ऑन द म्यूज़िक. जो म्यूज़िक बनाया है वो इट इज़ लाइक इंस्टेंट फ्रेश, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स यू टू अ हैप्पी प्लेस एंड द वीडियो इज सेम. इट्स वेरी कूल, इट्स हैप्पी, इट्स वेरी हैपनिंग, इट्स वेरी यूथ. तो आप हॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं? यस, वी आर